देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ आए इसको भी हम नागरिक बना दें? राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी बिल 6 धर्मों के लिए है। वो 6 धर्म हैं सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हैं। और बिल के डिटेल प्रावधान में मैं बाद में जाऊंगा, मगर सरल भाषा में, क्योंकि देश की जनता भी इस सदन की बहस को देख रही है बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, तो सबके मन में स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं सरल भाषा में ये बिल क्या है कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो 3 देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं, वो तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये लघुमती के लोग, वहां की लघुमती के लोग जो भारत में आए हैं, उनको किसी भी समय आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का इस बिल में प्रावधान है। लेकिन मुस्लिम शरणार्थी को इस बिल से बाहर कर दिया गया है। क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम शरणार्थी नहीं रहते? क्या इनको उन देशों में प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कहा है? माननीय, लोकसभा में चर्चा चली, कुछ अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दें? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।